अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल डिकोडिंग फिजिकल एजुकेशन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था बाई कैसे निकालते हैं, और उससे रिलेटेड मुझे काफ़ी क्वेरीज मिली जिसको देख के मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। इस वीडियो में मैं आपको इवन नंबर ऑफ़ टीम्स को लेके नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई निकाल के दिखाऊंगा। और जैसा कि अभी आईपीएल चल रहा है तो मैंने सोचा 10 टीमों को लेके एक फिक्चर बनाया जाए। और जहां 10 टीमों की बात आती है तो अभी जैसे कि आप जानते हो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में हमारे 10 टीम हैं, तो मैंने उन 10 टीमों का आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में लोगो डाल के रखा हुआ है। तो चलिए आज देखेंगे 10 टीम का किस तरह से हम फिक्स्चर बनाएं नॉकआउट टूर्नामेंट का। तो जैसा कि हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम जो है हमारा वो है एन इक्वल टू 10, जो कि है 10, यानी नंबर ऑफ़ मैचेस जो होंगे होंगे एन माइनस वन यानी 9। एन का जो वैल्यू है वो है 10, यानी 10 माइनस वन 9, यानी टोटल मैचेस अगर 10 टीमों की आईपीएल होनी है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे 9। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमने निकाल लिया। अब देखते हैं नंबर ऑफ बाईस कैसे निकालें। नंबर ऑफ बाईस के लिए फिर हम जो फार्मूला मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था 2 to the power n, यानी 2 to the power 5, यानी इसका वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा 2, इसका निकालें तो ये हो जाएगा 4, इसका निकालें तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम जो है एन इक्वल टू है 10, यानी 10 का जो नियरेस्ट एक बड़ा वैल्यू को हम देखेंगे जो कि होगा 16, यानी 10 जो है वो 2, 4, 8 सबसे बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है। तो नंबर ऑफ बाईस हमारा हो जाएगा 16 माइनस 10, यानी 6, यानी टोटल नंबर ऑफ बाईस हम लोग 6 बाई देंगे टोटल 10 टीमों को। तो चलिए बाई निकालते हैं। और याद, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बोला था, जब नंबर ऑफ टीम वो इवन नंबर में होगी तो हमें अपर हाफ और लोअर हाफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब इवन नंबर में है तो इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5-5, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप देख सकते होंगे अभी 5 टीम मैंने ऊपर के हाफ में रखा है और 5 टीम मैंने नीचे के हाफ में रखा है। चलिए बाई देना शुरू करते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके, तो जो फर्स्ट बाई है वो हम देंगे चेन्नई सुपर किंग्स को, सेकंड बाई मुंबई इंडियंस, जो थर्ड बाई मिलेगा वो एलएसजी को मिलेगा, अब फोर्थ बाई जो मिलेगा वो मिलेगा गुजरात टाइटंस को। ओके, 6 में से 4 बाई हमने दे दिया, अब बचे 2 बाई। फिफ्थ बाई मिलेगा दिल्ली कैपिटल्स को और सिक्स्थ बाई मिलेगा सनराइज़र हैदराबाद को। अब निकालते हैं हम राउंड के हिसाब से मैचेस कितने होंगे। तो राउंड वन में देखें हम कितने मैचेस हम तो खेलेंगे। तो सबसे पहला जो मैच होगा राउंड वन में वो खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब, ये होगा पहला मैच। दूसरा मैच राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, ये हो गया हमारा राउंड वन का मैच। राउंड टू में जो हमारी मैचेस खेले जाएंगी वो होंगी, इसमें जिन जिन टीमों को बाई दिया गया था वो खेलेंगे, यानी अब राउंड टू में मुंबई इंडियंस और सनराइज़र्स खेलेंगी, और आरसीबी और किंग्स इलेवन पंजाब में जो जीतेगा, सॉरी पंजाब किंग्स अब बोलते हैं इसको, वो खेलेगी गुजरात टाइटंस से। उसके बाद
लखनऊ सुपर जायंट्स खेलेगी राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के विनर से, और डीसी खेलेगी सीएसके से। ये हो गया हमारा सेकंड राउंड के मैचेस। थर्ड राउंड के मैचेस में मुंबई और सनराइज़र के विनर खेलेगा इस सेकंड राउंड के विनर से, और यहाँ पे यहाँ का विनर खेलेगा इन दो के विनर से। ये हो जाएगा हमारे थर्ड राउंड का मैच। और जो फाइनल जो हमारा मैच होगा वो खेला जाएगा बिटवीन देम। यहाँ पे हमारा विनर घोषित होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉकआउट टूर्नामेंट में जो मैचेस होंगी उसमें टीमें एक बार अगर हार जाती हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो ये था टोटल 10 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट जो मैं आपको बता के दिखाया। और अगर नंबर ऑफ टीम्स को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू।